The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और चाइल्ड लाइन की सजगता से एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल एक अज्ञात कॉलर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और चाइल्ड लाइन की टीम ने विवाह मंडप पर छापा मारते हुए नाबालिग लड़कियों का सामूहिक निकाह रुकवा दिया। चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने नाबालिगों की शादी कराने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया है। चाइल्ड लाइन के टीम लीडर मनमोहन ने बताया कि गुरुवार की दोपहर उन्हें अज्ञात कॉलर द्वारा परतापुर बाईपास स्थित एटलस मैरिज होम में नाबालिग लड़कियों का सामूहिक निकाह कराए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और परतापुर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सभी टीमों ने संयुक्त रूप से मैरिज होम पर रेड डाल दी। इस दौरान सामूहिक निकाह समारोह का आयोजन कर रही मुस्लिम मलिक एकता समिति संस्था के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दुल्हन बनी लड़कियों के परिजनों से उनकी उम्र के सर्टिफिकेट मांगे तो अधिकांश लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चाइल्ड लाइन टीम के लीडर मनमोहन ने बताया कि संस्था द्वारा 15 लड़कियों का सामूहिक निकाह कराया जा रहा था, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक के परिवार के लोग उनकी उम्र के सर्टिफिकेट नहीं दिखा सके, जिसके चलते उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने नाबालिग लड़कियों की शादी कराई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई है उनकी शादी कराने की अनुमति दे दी गई है। उधर इस पूरे प्रकरण के बाद सामूहिक निकाह का आयोजन करने वाली संस्था के पदाधिकारी मौके से 9-2-11 हो गए। सर आज 1099 चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों की बाल समूह की सूचना आई थी, जिसमें मतलब कॉलर ने द्वारा ये बताया गया था कि कुछ बाल मतलब बच्चों का समूह में ब्याह किया जा रहा है, तो यहाँ पर आके देखा तो 15 लड़कियों की शादी की जा रही थी। किसी के पास भी कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं था, पर बट चार लड़कियाँ जो जिसमें पाई गई हैं कि 4 से 5 लड़कियाँ पाई गई हैं कि बालिक हैं, और अभी लड़कियों की जाँच पड़ताल चल रही है। जैसे ही उनके कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कि लड़की 18 साल से ऊपर है तो उनकी शादी कर दी जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते हैं किसी भी लड़की के कि वो 18 साल से कम है तो उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की का शादी करना गैरकानूनी होता है। तो अब तक अधिकारी तो उसके हिसाब से कितनी लड़कियां, अभी सर 11 मतलब 4 लड़की ही जिनके डॉक्यूमेंट चेक कर पाए हैं वो 4 लड़की ही मिल पाए हैं कि जो बालिक हैं 18 साल से ऊपर है। अभी 11 ने कोई भी दस्तावेज नहीं प्राप्त मतलब कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए हैं जिससे पता चल पाए कि वो लड़की बालिक है। जैसे नाबालिग की शादी कराई जाती है इन पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ सर, अगर ये जो भी पेरेंट्स या जो भी समिति से शादी को करा रहे थे अगर वो नाबालिग लड़की की शादी कराता है तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। किस समिति के द्वारा? सर अभी जो समिति बताई गई है एक समिति का नाम लिया था उन्होंने, मुस्लिम समिति करके कुछ, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे जो बालकों की शादी का समूह को वो कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। अभी इन्हें चेतावनी दे दी गई है, अगर ये इनके माँ बाप को समझाया जाएगा कि नाबालिग लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है, अगर ये हमारी बातों को समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर ये अपनी लड़की की शादी नाबालिग में करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा।